चूसरियां कौन है? मैं तो हूँ मैदान। टपोरी जैसा बात क्यों कर रहे लोग? ये टपोरी जैसा बात है रे। इंडिया पोलैंड कहाँ किया तू? फिलहाल तुम्हारे औकात के बाहर क्यों हूँ। हाय गर्मी। अरे बाबा मर जाता ऊपर वाले के घर जाता। अरे बाबा मर जाता ऊपर वाले का घर जाता, ये डायलॉग है। एक्शन हीरोज को एक्शन हीरो के जैसा यूज करो ना यार। आप देखते नहीं क्या टॉम क्रूज को? टॉम क्रूज एक्शन हीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी कुछ करता ना, क्या बोलते हैं अपना टपोरी जैसा बात करे। तो कैसे हो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आ गए एक नया मूवी का ट्रेलर जिसका नाम है क्रैक, जिसमें हमारे जाने माने बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस ने काम किया है। मैं बोलने जाऊँ तो भाई इसमें विद्यु जामवाल है, हमारे अर्जुन रामपाल है, और थर्ड सबसे मोस्ट और सबसे क्यूट हमारे नौरा फतेह। और आप सबको पता ही है भाई, ये सब मतलब ये सब फेमस क्यों हुआ है क्योंकि इनके कुछ क्यों किसका एक्शन बहुत अच्छा है और प्लस उनकी एक्टिंग बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारा विद्युत जामवाल और हमारे अर्जुन रामपाल, जिनकी बहुत अच्छा एक्टिंग है। और पता नहीं इस मूवी में क्या वो करने वाले स्पेशल की, जिस वजह से आज हमें पता चलेगा कि वो उनके अंदर कितना एबिलिटी है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा नौरा फतेह, भाई नौरा फतेह के अंदर मुझे मतलब ना मुझे भी नहीं पता, और मुझे लगता है मेरे जैसे सब लॉन्डो को पता भी नहीं लगा कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। बस इतना पता है कि वो अच्छा डांस कर सकते हैं और अच्छा अपना हॉटनेस दिखा सकते हैं, तो फेमस तो उस वजह से हुआ है। तो मुझे लगता है अभी ये इस मूवी में भी मोस्टली उनका जो भी सीन चल रहा है सब वही दिखाया गया है। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। तो मैं बकचोदी नहीं कहना चाहता, मैं बस ये बोलूंगा कि तुम सब आखिर तक बने रहना। अगर तुम्हें इस मूवी अच्छा लगे या ट्रेलर अच्छा लगे तो मूवी जाकर जरूर देखना, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगा तो भाई और भी मूवीज आता रहेगा, उस मूवी को देखना, ठीक है। तो प्यार करो, सपोर्ट करो, बस यही बोलूंगा कि सिनेमा का जीत हो भले ही किसके साथ हो। अपन यहाँ पे कोई पार्टी नहीं चला रहा भाई, अपना एक ही पार्टी है सिनेमा, ठीक है। तो लेट्स गो बिना कोई बकचोदी। तो चलो मेरे भाई और उनकी बहनों शुरू करते हैं। मेरा भाइयों और उनकी बहनों, एक चीज़ बोलता हूँ, मुझे इस मूवी में मतलब क्या होने वाला पता च नहीं, लेकिन इतना है कि विद्युत जामवाल है, मतलब 101% इस मूवी में एक्शन होने वाला। तो लेट्स गो इन 3, 2, 1 लेट्स गो क्रैक। चले गए दोनों एंड्रॉइड। ओके यू गेट टू नो। ए भाई सपने तो दोनों आके देखती है ना, तेरी दूसरी आंख कौन है? मैं तो हूँ मैदान। टपोरी जैसा बात क्यों कर रहे लोग? ये टपोरी जैसा बात है रे। एक्चुअल में सीन क्या है क्या अभी, ये मैं एंडिंग बता। ए भाई सपने तो दोनों आके देखती है ना, और तेरी दूसरी आंख कौन है? मैं तो हूँ। मैदान में जाएंगे, झंडा गाड़ेंगे और सबकी फाड़ेंगे। यहाँ के कानून हमारे हैं और कायदे भी। You're married to the game now, so please be loyal in this relationship. Welcome to Maidan. Maidan. Ready for the ride? ये कौन है? ये तो इन्फ्लुएंसर है मैदान की। इंडिया पोलैंड कहाँ किया तू? फिलहाल तुम्हारे औकात के बाहर क्यों हूँ। हाय गर्मी। हर इन्फ्लुएंसर को यही लगता है कि वो बहुत औकात के बाहर है। अरे आओ रे, हम लोग से मिलो रे, तुम लोग को दिखाते हम लोग कौन है। ये कौन है? ये तो इन्फ्लुएंसर है मैदान की। इंडिया पोलैंड कहाँ किया तू? फिलहाल तुम्हारे औकात के बाहर क्यों हूँ। हाय गर्मी। ये डायलॉग क्या है ब्रो? हाय गर्मी, ये क्या डायलॉग है? शी मैन शी। We all know this Maidan is illegal. Who can challenge that? जो काबिल होगा सामने आ जाएगा। अरे बाबा मर जाता ऊपर वाले के घर जाता। अरे बाबा मर जाता ऊपर वाले का घर जाता, ये डायलॉग है। अरे बाबा मर जाता ऊपर वाले के घर जाता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई की मौत मैदान में हुई? मेरे को सिर्फ मेरे भाई की सच्चाई जानी है, समझी? और यही हमें सिर्फ एक ही आदमी बता सकते हैं। कोई अपने प्यार के लिए खेलना चाहता है तो कोई अपने भाई के लिए खेलेगा ना। वाओ म्यूजिक से। और हांडी में मैच फोड़ेगा। लेट्स गो।
जिनको नहीं पता पैराडॉक्स कौन है, तो भाई रैपर है, DHH का अच्छा रैपर है, 19-20 साल का है बंदा। तेरी चैलेंजर रेस में मैं तेरे को चैलेंज करता है, हिम्मत तो आजा आजा। रेस का सिर्फ एक रूल होगा, जो जीतेगा वो जिएगा। वाओ, म्यूजिक सही है। वाओ, ये रुक साथ में किसे? It's for the sake of the country. हाँ, मस्त है। अपने यहाँ पे भी सिंगम, सिंबा, सूर्यवंशी साथ में ही आते हैं। मतलब मैं ऐसा लगता है ना कि भाई ये बंदा, मतलब अबे यार ये पसीना आने की वजह से ना हम पत्रे के नीचे रहते, तो ऊपर से आप शूट करना पड़ता है, तो रीटेक लेता हूँ मैं कि मेरे को अच्छा शॉट मिले, तो इसके ना तुम लोग को ना अच्छे अच्छी तरह और एंटरटेन कर पाओ, इसके वजह से ना तो गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ने की वजह से मेरा पूरा बाल की लग जाती है, तो इसके वजह से मेरा ऐसा चोमू लगता हो, लेकिन जब तुम लोग असली में देखिएगा ना मेरे को, तुम लोग बोलेंगे भाई क्या सरस लगता है तू, भाई तू सिर्फ वो है क्या, फोन में ऐसा लगता है लेकिन असली में बहुत सरस है। तो मैं क्या बोल रहा था, वो सब छोड़ो, मैं ये बोल रहा था कि ये भाई इसमें मतलब सच्ची बोलूं विद्युत जामवाल, अगर आप जिस दिन का खुदा हाफिज नहीं देखा ना भाई, खुदा हाफिज टू, क्या एक्टर है ब्रो, इनके अंदर वो पोटेंशियल टैलेंट जो है ना, मतलब क्या पोटेंशियल टैलेंट है, और ये लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे बॉलीवुड, मुझे नहीं पता भाई। वो टाइगर के साथ भी यही सीन हो रहा है, उसके अंदर एक्शन हीरोज है भाई, एक्शन हीरोज को एक्शन हीरो के जैसा यूज करो ना यार, आप देखते नहीं क्या टॉम क्रूज को, टॉम क्रूज एक्शन हीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी कुछ करता ना, क्या बोलते हैं अपना टपोरी जैसा बात करे, इन लोग के अंदर नहीं जमता। विद्युत जामवाल भाई ये क्लासी आदमी बोलता ना, जिसका स्टैंडर्ड फैमिली है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको करना है, मतलब अगर वो एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप प्रैक्टिस तो करो, आप उस मतलब ना उस स्ट्रीट में जाकर रहो, एक दो मतलब ना 2-3 महीना ऐसे लोगों के साथ रहो, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपको हिंदी सीखना है तो उस ऑडियंस के साथ रहो जो हिंदी बोलता है, हिंदी मतलब ना हिंदी उनका फ्लुएंट है। आप भाई क्या कर रहे हो, आप मतलब आपको मूवी आया, आप 1 महीने में स्क्रिप्ट पढ़ लिए, हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपका मतलब ना इसको देखो, टाइगर को देखो, इनका ऐसा लगता ही नहीं कि ये लोग कोई गली के लड़के लोग हैं, ऐसा लगता है कि ये जबरदस्ती बोलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मैं कसम बोलूं, मुझे तो ट्रेलर मैं यही बोलूंगा कि भाई ये ट्रेलर छोड़ो, मैं मूवी देखने वाला ही नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था विद्युत जामवाल से भाई, ना मेरे को VFX शॉट अच्छे लगे, और ना ही मुझे बोले ना इसका जो स्टोरी लाइनअप जो बनाया है, म्यूजिक बहुत अच्छा था, म्यूजिक मेरे को सही लगा, कुछ भी बोलो म्यूजिक सही था, जो स्टार्टिंग में धक्का धक्का जो स्टार्टिंग मिडल चला अच्छा लगा, लेकिन उसके अलावा मुझे तो भाई क्या डायलॉग्स है, अभी जान चले जाता, और लास्ट में हम लोग इधर भी सिम्बा सूर्यवंशी और हमारे कौन था वो सिंगम साथ में आता है, क्या भाई क्या, मतलब मैं ऐसा सोचा कि भाई ये ट्रेलर देख के अपना बोलता ना अपना तो मूड खराब हो, मतलब मूड खराब हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है। तुम लोग बता, तुम लोग को जो लगा, देखो भाई मैं एक चीज बोलता हूँ, देखो मेरे को किसी के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने से मैं कभी डरूंगा नहीं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, और मैं मेरे को पता है कि भाई जो लोग मेरे को सुनते हैं, जो लोग समझते हैं, उन लोगों को पता है कि मैं मेरी जो बातें वो हमेशा रियल और हमेशा बातों पे ना सीधा मतलब ना जो बात करनी वो करते हैं, तो मेरे को जय नहीं लगा अच्छा तो नहीं लगा अच्छा, बाकी तुम सबको अच्छा लगे तो बताओ तुम कमेंट में तुमको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, तो ऐसे ही प्यार ऐसे ही सपोर्ट करना। और अभी ना जो नया रिएक्शन आने वाला है, मैं करने वाला हूँ बहुत फटे एक अच्छा एक्टर के ऊपर, क्योंकि मैंने उनका भी जस्ट मतलब देखा कि उनका एक मूवी का ट्रेलर आया है और वो होने वाला मलयालम इंडस्ट्री का, तो बस ऐसे ही प्यार ऐसे ही सपोर्ट करना, क्योंकि उसमें कुछ और सिनेमा का वो जो लुक है ना भाई, पोस्टर देख के पागल हो जाओगे, तो मुझे तो डाल दूंगा पोस्टर, लेकिन ये पोस्टर देख के तुम पागल हो जाओगे,
बहुत सरस होने वाला है, तो वो रिएक्शन जरूर देखना। और मैं बता दूं कि मैं मूवी का रिएक्शन, म्यूजिक वीडियो के रिएक्शन और सेवेज और कॉमेडी वीडियो के रिएक्शन डालते रहता हूँ, तो प्यार करना, सपोर्ट करना। और जिन जो लोग ने अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो करो भाई लोग, उसमें मैं एक मिनट के अंदर मूवी ट्रेलर और मूवी का रिव्यू देता हूँ। तो ऐसी प्यार ऐसी सपोर्ट करना, जहाँ पर भी हो तुम जैसे भी दे सकते हो, ठीक है। और मेरा काम अच्छा लगे तो ही देना, ठीक है। तो ख्याल रखो, मेहनत करो, खुश रहो, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखना। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।